आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बतानी है अपनी। ये क्या गिवन है, मार्क्स ऑब्टेंड मोर देन 60, वो कितने ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं, वो जीरो स्टूडेंट है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स मोर देन 50 हैं, वो 16 है। तो आपको यहाँ पर गिवन है मार्क्स ऑब्टेंड और यहाँ पर गिवन है नंबर स्टूडेंट। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी अपनी। देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, अपना क्लास इंटरवल निकालते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे मार्क्स और उसको लिख लेंगे क्लास इंटरवल अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे अपना। तो देखो, सबसे पहले देखो मोर देन जीरो है, तो जीरो जो अपना लोएस्ट मार्क्स है, तो जीरो से 10, 10 से 20, क्योंकि यहाँ पर देखो सबका 10-10 का इंटरवल है, तो यहाँ से क्लास साइज भी 10 का हो जाएगा। 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60, ये हो जाएंगे क्लास इंटरवल मेरे। अब इस क्लास इंटरवल के हमको बीच में देखना है कि कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे मेरे। तो यहाँ पर हमको लिखनी है अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी टेबल अपनी यहाँ से कि कितने स्टूडेंट हैं मेरे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे, जिसमें 10 इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली 0 से 0 to 9 हुआ अपना मेरा। सो देखो, ये क्या बोल रहे हैं, 0 to more than 0 जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं वो 100 स्टूडेंट है, और ये बता रहे हैं कि 0 जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा आए हैं। सो अगर मैं इनको माइनस कर दूँ, यानी मोर देन 0 माइनस मोर देन 10 कर दूँ मैं, तो मेरे को पता आ जाएगा ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं मेरे, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट करेगा 10 से ज़्यादा वाले, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा आए हैं, और ये रिप्रेजेंट करे ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा आए हैं। देखो, जो 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके अंदर तो ये भी इंक्लूड हो गए ना मेरे 10 से ज़्यादा वाले, क्योंकि 0 से बड़ा है 10 अपना। सो 0 से ज़्यादा मतलब उसमें सारे मार्क्स इंक्लूड हो गए मेरे, तो ये वाले मार्क्स हटाने पड़ेंगे जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा आए हैं। सो 0 से 10 के लिए मेरा हो जाएगा अपना 100 - 92 विच इज 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8 मेरे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे। अब 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, ये है 10 से ज़्यादा वाले, ये है 20 से ज़्यादा वाले। अगर मैं 20 से ज़्यादा वाले हटा दूँ इसमें से 10 में से, 10 से ज़्यादा वाले में से, सो मेरे को पता लग जाएगा 10 से 20 के बीच में कितने लाइक करेंगे। सो 92 - 87, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे जो इसके बीच में लाइक करेंगे 10 से 20 में। इसी तरह से 20 से 30 के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे अब की बार 80, क्योंकि मोर देन 20 में से अगर मैं मोर देन 30 हटा दूँ, क्योंकि 20 से जिनके ज़्यादा मार्क्स आए और 30 से ज़्यादा वाले वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे मेरे, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 12। अब इसी के लिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 30 से 40 के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे ऐसे, तो 75 - 40, तो ये हो जाएगा कितना 35। 40 टू 50 के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे, 40 - 16 विच इज 24 एंड लास्ट 16 - 0 इज 16। सो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल अपनी। ठीक है, सिंपली क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्ट करने थे अपनी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ से, अपनी जो अपने इंटरवल्स थे इनको सब्ट्रैक्ट करने थे इनके, तो यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज आ गई। थैंक यू फ्रेंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।